कुर्मी पुलिस ने एक और अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश कुमार के निर्देशन में, महगांव एसडीओपी आरकेएस राठौर के मार्गदर्शन में कुर्मी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा की शराब माफियाओं पर मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कुर्मी पुलिस के द्वारा दबिश उपरांत देखा गया कि आरोपी के घर में अवैध शराब निर्माण कर रहा था। उसको धर दबोचा, उसके कब्जे से 48 बोतल इम्पीरियल ब्लू अंग्रेजी विस्की, 72 हाफ बोतल मैकडोवल विस्की, 45 हाफ बोतल इम्पीरियल ब्लू विस्की और 200 ट्रेट्रा पैक रॉयल क्लासिक विस्की, 46 क्वार्टर देशी ग्लेन शराब, 4 से 200 लीटर ओपी के साथ भारी मात्रा में शराब बनाने का जखीरा पैकिंग मशीन मिली है। और आपको बता दें कि कुल मशरूका की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 34/2 की कार्रवाई कर पूछताछ की जा रही है। शराब की फैक्ट्री ला के भंडारण किए हुए है, इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, तब हमारे नेतृत्व में थाना प्रभारी सुरेश शर्मा और अपना ये तोमर और जो भी टीम थी इनको सबको तत्काल ले जाके, वैभव तोमर और भी जो भी टीम थी सबको इन्होंने तत्काल ले जाके, क्योंकि मानहर थोड़ा संवेदनशील गांव है, इसलिए वहां तत्काल जाके दबिश दी गई। तो एक आरोपी को पकड़ा है, वो अपने घर में अवैध देसी शराब का निर्माण की फैक्ट्री लगाए हुए था। उसके यहाँ से अंग्रेजी आईबी जो शराब होती है वो मैकडोवल और हरियाणा से जो लाते हैं, जो राजस्थान से फ्रूटी होती है, फ्रूटी टाइप की एक शराब होती है वो, और देसी शराब प्लस देसी शराब बनाने का जो बारदाना है और मशीनें हैं ये सब जब्त किया गया है।